नमस्कार, मैं हूँ जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। हमारी जो है आदत बनती जा रही है कि हमारे सामने जो भी आए बस फटाक से उस पर अपनी राय कायम कर लेना, और फिर हम यह थोड़ी रुकते हैं, हम लग जाते हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना ज्ञान बांटने में, बिना ये सोचे समझे कि जो हम कह रहे हैं उसके पीछे का पूरा सच क्या हमें पता है। हमारे इस अधकचरे ज्ञान का खामियाजा कोई भुगत रहा होता है, ये सोचा है कभी हमने? बेंगलुरु में ऑर्डर कैंसिल करने पर महिला पर हमला करने के आरोप में जोमेटो के डिलीवरी बॉय को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। ये खबर तमाम मीडिया में, जिसमें सोशल मीडिया तो खास है ही, ट्रेंड कर रही थी। क्या किसी ने उस डिलीवरी बॉय का पक्ष जानने की कोशिश की थी? जोमेटो ने डिलीवरी बॉय को सस्पेंड कर दिया, लेकिन अब मामला थोड़ा उलझता हुआ नजर आ रहा है। डिलीवरी बॉय कामराज ने घटना पर अपना पक्ष रखा है। कामराज का दावा है कि युवती ने खुद ही अपने आप को चोट पहुंचाई है। दरअसल एक कंटेंट क्रिएटर हितेशा चंद्रानी ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर आरोप लगाया कि जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने उनके चेहरे पर पंच मारा था, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आया। लेकिन इसके बिल्कुल उलट है डिलीवरी बॉय का बयान, क्या है वो भी देख लीजिए। कामराज ने कहा कि ट्रैफिक की वजह से डिलीवरी लेट होने पर मैंने पहले उनसे माफी मांगी, लेकिन वो लगातार मुझसे लेट आने को लेकर झगड़ा करती रही। युवती ने उसे पैसे देने से इनकार किया तो मैंने खाना वापस करने को कहा, लेकिन लड़की ने खाना वापस नहीं दिया। इसी दौरान उसने जब चप्पल से मुझे मारने की कोशिश की, जब मैं खुद को बचा रहा था, तब लड़की का हाथ खुद ही उसके मुंह पर लगा और उसके रिंग से चोट लग गई। बयान सुनने के बाद डिलीवरी बॉय के पक्ष में लोग अब आने लगे हैं। डिलीवरी बॉय का बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग कामराज के लिए स्टैंड लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यूथ अगेंस्ट रेप ने ट्वीट किया कि हमें नहीं पता कि उसने उसे मारा या खुद का बचाव किया, लेकिन जोमेटो ने बिना बात सुने डिलीवरी बॉय को नौकरी से निकाल दिया। ऐसे में ये पूरी प्रक्रिया सच से परे है। हमें संदेह है कि वो इसके लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ेगा या नहीं। सच्चाई यह है कि कोई भी सच जानना ही नहीं चाहता, जिसके बाद जोमेटो ने जवाब दिया है कि हम लगातार अपने डिलीवरी पार्टनर के साथ टच में हैं। उसे सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक के लिए ही सस्पेंड किया गया है। जोमेटो का कहना है कि वो लगातार उसकी मदद कर रहे हैं। इसी विवाद पर जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने भी बयान जारी कर दिया है। दीपेंद्र गोयल ने बताया कि हम हर मामले में सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं। हम हितेशा और कामराज दोनों के संपर्क में हैं और जांच पूरी होने में सहयोग कर रहे हैं। दीपेंद्र गोयल ने कहा कि हम हितेशा के मेडिकल खर्च को उठा रहे हैं और बाकी मदद पहुंचा रहे हैं, साथ ही कामराज को अपनी तरफ से पूरी मदद दे रहे हैं। नियम के मुताबिक कामराज को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। हम कामराज के सभी कानूनी खर्चे को उठा रहे हैं। कामराज ने अपने 26 महीने के करियर में 5000 डिलीवरी की हैं। उसकी रेटिंग 5 में से 4.75 स्टार है, जो शानदार में से एक है। हितेशा ने 10 मार्च को सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, जिसमें वे बता रही थी कि कैसे जोमेटो डिलीवरी बॉय ने उन पर हमला किया। अब तक इस वीडियो पर करीब 1.8 करोड़ लोग देख चुके हैं। हितेशा का कहना है कि उन्होंने जोमेटो से दोपहर के 3:30 बजे फूड ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी बॉय शाम के करीब 4:30 बजे तक भी नहीं आया, तो उन्होंने कस्टमर केयर पर फोन कर ऑर्डर कैंसिल करने की बात कही। इसके कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय आया तो उन्होंने ऑर्डर लेने से मना कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच बहस होने लगी। इसी बीच डिलीवरी बॉय ने उनकी नाक पर पंच मारा और भाग निकला। इसके बाद हितेशा के नाक से खून निकलने लगा, उनकी हड्डी भी फ्रैक्चर हुई। क्या सही क्या गलत, ये तो अब पुलिस जांच का विषय है। तो उम्मीद है कि सच जल्द ही सबके सामने होगा, लेकिन तब तक हम अपने फैसले ना दें तो ठीक। जब जांच पूरी होगी तो सच वैसे भी पता चल जाएगा। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, ट्रोल तो बाद में कर ही लेंगे आप। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।